हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म चेर्नोबिल 1986 को। चेर्नोबिल 1986 ये एक डिजास्टर ड्रामा हिस्ट्री फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है डेनिला कोज़लोवस्की ने। तो वहीं फिल्म की कास्ट में है डेनिला कोज़लोवस्की, ओक्साना अकिनसिना, रफसाना कुरकोवा एंड फिलिप अपडी। तो फ्रेंड्स, कहानी फोकस करती है एक फायर फाइटर एलेक्सी पर जो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने जा रहा है, पर चेर्नोबिल डिजास्टर होने के बाद कैसे उसकी पूरी की पूरी लाइफ बदल जाती है, या फिर कहूँ उसकी लाइफ में आगे क्या कुछ होता है और फिल्म में आगे क्या कुछ होता है, वहीं सब जानने के लिए आपको देखनी होगी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ये डिजास्टर ड्रामा फिल्म चेर्नोबिल 1986। तो फ्रेंड्स, चेर्नोबिल डिजास्टर 1986 में रशिया की सिटी चेर्नोबिल में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक्सप्लोजन होने के बाद हुआ था, जिसके बाद उस सिटी में रह रहे लोगों को किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और कई सारी जाने भी गई, यानी एक काफी बड़ा डिजास्टर जो नेटफ्लिक्स की फिल्म चेर्नोबिल 1986 हमें दिखाती है, पर कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स के साथ। और अब बात करो फिल्म की, तो फ्रेंड्स, अगर आप चेर्नोबिल डिजास्टर के बारे में नहीं जानते तो आप HBO की मिनी सीरीज चेर्नोबिल देख सकते हैं, जिसमें इस डिजास्टर और उसके बाद की सिचुएशंस और सिटी में रह रहे लोगों ने किन किन प्रॉब्लम्स को फेस किया है उसे शो में बहुत ही डिटेलिंग के साथ दिखाया गया है, जो नेटफ्लिक्स की फिल्म चेर्नोबिल 1986 से पूरी तरीके से मिसिंग थी। तो वही ये फिल्म चेर्नोबिल डिजास्टर के अलावा एलेक्सी की पर्सनल लाइफ पर भी फोकस करती है, या फिर कहूँ काफी ज्यादा फोकस करती है, जिसकी प्रेजेंटेशन फिल्म में बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग वे में नहीं की गई है, जिसके चलते ये फिल्म हमें बोर करने के अलावा और कुछ भी नहीं करती। पर हाँ, फिल्म में अगर कुछ अच्छा था तो वो था फिल्म का डायरेक्शन, जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, जिसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर डेनिला कोज़लोवस्की की, जिन्होंने फिल्म में एलेक्सी के रोल को भी प्ले किया है, जिनकी एक्टिंग भले से ही इतनी ज्यादा बढ़िया ना हो पर फिल्म का डायरेक्शन अगेन कहूंगा कि काफी बढ़िया था। और अब बात करूँ कैरेक्टर्स की, तो फिल्म के शुरुआत के 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ही की गई है, जिसके चलते हम एलेक्सी के कैरेक्टर से पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाए, जो बिल्कुल भी नहीं होता। रीजन है एलेक्सी का कैरेक्टर और उसकी पर्सनल लाइफ, जो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है और ना ही अगेन फिल्म में उसकी प्रेजेंटेशन। तो वहीं एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी फिल्म में एवरेज है, तो वहीं एडिटिंग भी फिल्म का एक वीक पॉइंट है, क्योंकि फिल्म की लेंथ 2 घंटे और 15 मिनट की है, जिसमें ये फिल्म हमें बहुत ही ज्यादा बोर करती है। बाकी BGM फिल्म का अच्छा है, जो कुछ सीन्स पर परफेक्ट सूट करता है। तो ओवरऑल मेरी नज़र में चेर्नोबिल 1986 एक एवरेज फिल्म है, जिसे देखना ना देखना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। चेर्नोबिल 1986 को मैं दूंगा 2 स्टार्स। तो फ्रेंड्स, ये था चेर्नोबिल 1986 को लेकर मेरा रिव्यू, पर अगर आपने ये फिल्म पहले से ही देख ली है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।